दोस्तों इस वीडियो में मैं अपडेट लेके आया हूँ अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म पृथ्वीराज के बारे में। शूटिंग अपडेट है, रिलीज डेट अपडेट है और पोस्टपोन हुई है या नहीं हुई है, थोड़ी डिटेल आई है मेरे पास, तो इस वीडियो में मैं आपके साथ सारी डिटेल शेयर करने वाला हूँ। अक्षय कुमार के फैंस चलिए हो जाइए तैयार डिटेल जानने के लिए, वीडियो को पूरा देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो अक्षय कुमार की पृथ्वीराज, अभी तो उन पर विवाद काफ़ी चल रहे हैं। मैंने आपको अगले एक या दो वीडियो मैंने इसके रिगार्डिंग अलग से बनाए हैं कि क्या विवाद चल रहा है। तो अब अपडेट की बात करूं तो पृथ्वीराज की जो शूटिंग है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वीराज की शूटिंग अब पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है और ये फिल्म अब पोस्ट प्रोडक्शन के लिए जाने वाली है। अब रिलीज़ की बात करते हैं, तो जैसे कि यशराज ने अनाउंस किया था कि फिल्म दिवाली पर आएगी, लेकिन बीच में जिस तरह से कोरोना के केसेस बढ़ रहे थे उसे लग रहा था कि थिएटर शायद ओपन नहीं होंगे। तो ऐसी अफवाह आई थी कि भाई पृथ्वीराज भी सभी फिल्मों की तरह पोस्टपोन हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं आपको एक क्लियर कर दूँ कि शायद पृथ्वीराज पोस्टपोन नहीं होगी। रीज़न क्या है, मेकर्स के पास अभी 4 महीने बचे हैं पोस्ट प्रोडक्शन वर्क के लिए। जी हाँ, शूटिंग तो अब ख़त्म हो गई है, मेकर्स के पास है जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, 4 महीने पड़े हैं पोस्ट प्रोडक्शन के। तो आराम से कंप्लीट हो जाएगा पोस्ट प्रोडक्शन पृथ्वीराज का और आराम से फिल्म हो जाएगी रिलीज थिएटर्स में दिवाली के मौके पर। हाँ, अगर कोरोना के केसेस इन फ्यूचर बढ़ेंगे और थिएटर्स ओपन ना हुए तो कहीं ना कहीं पोस्टपोन हो सकती है, लेकिन अभी के टाइम से देखें तो फिल्म पोस्टपोन बिल्कुल नहीं होगी। दिवाली के मौके पर थिएटर में ही यह फिल्म रिलीज़ होगी। अब मैंने जैसे आपको बताया था कि जो करणी सेना है उन्होंने एक शर्त रखी थी, कि पहली शर्त तो ये थी कि पृथ्वीराज का जो नाम है वो रखा जाए पृथ्वीराज चौहान, और उनकी दूसरी शर्त ये थी कि फिल्म बनने के बाद करणी सेना को फिल्म दिखाई जाए, करणी सेना अगर अप्रूवल देती है तो ही फिल्म को रिलीज़ किया जाए। इस तरह की शर्तें रखी थी, लेकिन अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। शूटिंग ख़त्म हुई है, अब मेकर्स क्या डिसीज़न लेंगे फिल्म के टाइटल के बारे में और क्या डिसीज़न लेंगे करणी सेना को फिल्म दिखाने के बारे में, वो हमें आने वाले वक्त में पता चल ही जाएगा। लेकिन अभी मेरे पास अपडेट आई थी वो कन्फर्म अपडेट थी, मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर दी है। शूटिंग ख़त्म हो गई है और फिल्म 99% आपको दिवाली के मौके पर थिएटर में रिलीज़ कर दी जाएगी, आपको देखने मिल जाएगी। तो बस यही अपडेट थी, आशा करता हूँ आप ये अपडेट आपको अच्छी लगी होगी और समझ में भी आ गई होगी, मेरा वीडियो भी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।